लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुरुदेव, ये तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हाँ पुत्री, लगता है तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। गुरुदेव, मुझे इस परिस्थिति से उबरने का उपाय बताइए। चिंता ना करो सीते, ऐसे संकट काल में संकट मोचन हनुमान का ध्यान लगाओ, वही तुम्हें इस संकट से उबार सकता है। किंतु गुरुदेव, भोजन के प्रबंध में हनुमान कैसे सहायता करेंगे? जानकी, वे तुम्हें माता मानते हैं, संकट काल में पुत्र माता के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम उनका ध्यान लगाओ। हनुमान, हनुमान, तुम जहां भी हो शीघ्र चले आओ, तुम्हारी माता पर संकट आया है, तुम शीघ्र चले आओ, शीघ्र चले आओ, तुम जहां भी हो शीघ्र चले आओ। माता? हनुमान, तुम जहां भी हो शीघ्र चले आओ। माता, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। हनुमान, शीघ्र चले आओ। हनुमान, मैं आ रहा हूँ। माता, मैं आ रहा हूँ। हनुमान, कहाँ जा रहे हो? हनुमान भैया, मुझे इस समय ना रुकिए, मैं अति शीघ्रता में हूँ। परंतु जा कहाँ रहे हो? भैया संकट, संकट भैया संकट। हनुमान, कैसा संकट? हनुमान, किस पर संकट? हनुमान, तुम शीघ्र चले आओ। हनुमान, भैया इस समय तो मैं स्वयं नहीं जानता, परंतु आपको लौटकर सब कुछ बताऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए भैया। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। परंतु हनुमान, हनुमान की व्यग्रता यह बता रही है कि हनुमान का कोई अति प्रिय संकट में है। या तो भैया राम या फिर भाभी सीता। हनुमान, हनुमान, तुम जहां भी हो तुम शीघ्र चले आओ, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। हनुमान, शीघ्र आओ। हनुमान, आओ। हनुमान, शीघ्र आओ। आओ हनुमान, शीघ्र आओ। हनुमान, तुम्हारी माता पर संकट आया। हनुमान, तुम शीघ्र आओ। हनुमान, हनुमान, शीघ्र आओ। तुम जहाँ कहीं भी हो शीघ्र आओ। हनुमान, तुम्हारी माता पर संकट आया। हनुमान, कहाँ हो तुम? हनुमान, हनुमान, शीघ्र चले आओ। हनुमान, तुम जहाँ कहीं भी हो शीघ्र चले आओ, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। हनुमान, हनुमान, आओ। हनुमान, शीघ्र आओ। हनुमान, हनुमान, शीघ्र आओ। हनुमान, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। हनुमान, हनुमान कहाँ हैं आप? यहाँ आइए, शीघ्र यहाँ आइए। बजरंग बली, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, हमारी माता को संकट से बचाइए। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान आप आ गए। हनुमान, हमें पता था आप अवश्य आएंगे। मुझे पुकारने का कारण क्या है लवकुश? हनुमान जी, हमारी माता एक अनचाह संकट में पड़ गई है। दुर्वासा ऋषि हमारे आश्रम में पधारे हैं और ऐसा दिव्य भोजन करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने ना किया हो। माता उन्हें वचन दे चुकी है कि वे दिव्य भोजन उपलब्ध कराएगी। क्या पुत्र होने के नाते माता की चिंता दूर करना हमारा कर्तव्य नहीं? अब क्या होगा बजरंग बली? दुर्वासा ऋषि किसी भी क्षण स्नान करके लौटने वाले हैं। तो क्या हुआ? अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, महर्षि वाल्मीकि कहाँ हैं? वो आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, आइए। आओ। लवकुश, तुम दोनों अपनी माता के पास जाओ, मैं महर्षि से मिलकर आता हूँ, ठीक है? आओ हनुमान, मैं जानता था तुम अवश्य आओगे। जय श्री राम। जय श्री राम। महर्षि, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हनुमान, ऋषि दुर्वासा की इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें स्वर्गलोक पहुंचना होगा। स्वर्गलोक? परंतु क्यों? हनुमान,
स्वर्गलोक के पारिजात वृक्ष से ही ऋषि दुर्वासा की इच्छा अनुसार ऐसा दिव्य भोजन प्राप्त हो सकता है जो कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता। पारिजात वृक्ष वही ना जिसे हम कल्पतरु भी कहते हैं। हाँ, समय बहुत कम है हनुमान, इस कार्य को क्षणों में पूर्ण करना होगा। ऋषि दुर्वासा स्नान करके किसी भी क्षण लौट सकते हैं, उनके आने से पूर्व तुम्हारा स्वर्ग से लौट कर आना अनिवार्य है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, माता सीता से कहिए कि वो निश्चिंत रहें, हनुमान शीघ्र अतिशीघ्र लौटेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान, 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 हनुमान। प्रणाम गुरुदेव। नारायण नारायण, आकाश मार्ग से जा रहे हो और वो भी अपने गुरु से मिले बिना। गुरुदेव, मुझे शीघ्र अति शीघ्र स्वर्ग लोक पहुंचना है। स्वर्ग लोक? परंतु क्यों? गुरुदेव, मुझे वहां से कल्पतरु लाना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। ठहरो ठहरो हनुमान, ये मेरी आज्ञा है। परंतु हनुमान, आज तक कोई भी कल्पतरु लेकर स्वर्ग लोक से वापस नहीं लौटा। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और कृपा से आपके शिष्य हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान, देवराज इंद्र स्वर्ग लोक से कल्पतरु को अलग नहीं होने देंगे, ये बात निश्चित है। गुरुदेव, वो चाहे कुछ भी कर ले, परंतु हनुमान को इस उद्देश्य की पूर्ति तो करनी ही है। गुरुदेव, अब मुझे विलंब हो रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। नारायण नारायण, अब क्या करूं? हाँ, पवन देव। हाँ, पवन देव से जाकर कहता हूँ कि वे शीघ्र स्वर्गलोक पहुँचे और हनुमान की सहायता करें। हाँ हाँ।